हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक से लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क को उसके भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। उनमें है पहला लेन, सेकंड मेन और थर्ड विन। इस प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क को उसके भौगोलिक स्थिति के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है लेन, सेकंड है मेन और थर्ड वेन। चलिए इसका एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेन क्या है। लेन क्या है, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। ये सीमित स्थान के लिए यूज किए जाते हैं। लेन सीमित जगहों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सीमित स्थान, लेन का यूज सीमित जगहों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो स्पीड 10 Mbps होती है, स्पीड 10 Mbps होती है। लेन की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है। लेन में त्रुटि होने की संभावना कम होती है। लेन में त्रुटि होने की संभावना कम होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक स्थापित किए जाते हैं। लेन को हम 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर की डिस्टेंस तक स्थापित कर सकते हैं और ये छोटे जगहों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से ऑफिसों में, कार्यालयों में, अस्पतालों में, बिल्डिंगों के समूह में इसका यूज किया जाता है। बिल्डिंगों के समूह में, ठीक है। चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। लेन, लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। ये सीमित स्थान के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसकी जो स्पीड होती है, लेन की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps की होती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है क्योंकि ये सीमित स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए लेन में त्रुटि होने की संभावना कम होती है। इसका जो लेन को स्थापित करने की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर से 1000 मीटर तक हम इसे स्थापित कर सकते हैं। लेन का मुख्य रूप से उपयोग कार्यालयों में, अस्पतालों में और बिल्डिंगों के समूह में किया जाता है क्योंकि ये क्या होती है, छोटी जगह होती है, इसलिए इसका अधिकतर उपयोग कार्यालयों में, अस्पतालों में या कई बिल्डिंगों के समूह में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं मेन के बारे में। मेन क्या होता है? सेकंड है मेन। मेन का पूरा नाम
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसका पहला पॉइंट है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क होती है। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये लेन के समूह से मिलकर बनता है, मैन लेन का समूह है, मैन लेन का समूह है, अर्थात छोटे छोटे लेन को मिलाकर मैन का निर्माण होता है। इसका यूज किसी नगर या शहर में किया जाता है, नगर या शहर में, मैन का यूज किसी नगर या शहर में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो स्पीड होती है 10 मेगाबिट्स पर मैन की जो स्पीड होती है वो लेन की अपेक्षा में अधिक होती है, और इसका जो स्पीड होती है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। ये महंगे होते हैं, ये मैन महंगे होते हैं, मैन लेन की अपेक्षा में महंगे होते हैं, क्योंकि ये फाइबर ऑप्टिक केबल से बना होता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल से बने होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल से बने होते हैं, इसी कारण से मैन महंगे होते हैं। इसे हम टेलीफोन केबल ऑपरेटर, टेलीफोन केबल ऑपरेटर या माइक्रोवेव लिंक, मैन को हम टेलीफोन केबल ऑपरेटर या माइक्रोवेव लिंक के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यहाँ लेन का समूह होता है, छोटे छोटे लेन से मिलकर मैन का निर्माण करता है। यहाँ किसी नगर या शहर में इसका यूज़ किया जाता है, मैन का यूज़ किसी नगर या शहर में किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास मान लो एक ऑफिस है, मुंबई में एक मेन ऑफिस है, उसका छोटा छोटा ब्रांच है, तो उन ब्रांच को हम मैन की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो स्पीड होता है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है, मैन का स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड होता है। ये महंगे होते हैं, मैन महंगे होते हैं, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल से बने होते हैं। इसका या मैन को हम टेलीफोन केबल ऑपरेटर या माइक्रोवेव लिंक के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। और इसका जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मैन का डिस्टेंस 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की एरिया में होती है। यहाँ 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की एरिया को कवर कर लेता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट नेटवर्क है वैन। चलिए अब देखते हैं वैन के बारे में। थर्ड है वैन, इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो इसका पूरा नाम है, फुल नेम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। ये किसी सिटी या देशों को जोड़ती है, ये सिटी या कंट्री को आपस में जोड़ती है। वैन बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ होता है, इसी कारण इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये किसी सिटी या कंट्री को आपस में जोड़ती है। इसका स्पीड 1 Mbps
होती है, जो वैन का स्पीड होती है वो 1 Mbps होती है, अर्थात इसकी जो स्पीड बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ होता है, इसी कारण से वैन की स्पीड 1 Mbps होती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है, त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। चूंकि वेन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, इसी कारण इसमें जो त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है, या इसमें त्रुटि होने की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेन को हम सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। वेन को सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, या वेन को चलाने के लिए हमें सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। वेन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट, जिसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम कहीं से भी बहुत ही आसान तरीके से एक इंटरनेट के सहारे कुछ भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लेन क्या होता है, मेन क्या होता है और वेन क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, कल एक नए क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक लिए नमस्कार।